देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपने वक्तव्य में कहा था कि देश के युवाओं को कुछ भी काम करना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होता, पकोड़े बेच करके भी वो अपनी आजीविका चला सकते हैं। इस बात को देश के विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम आपको लेके आए हैं लूणी के रेलवे स्टेशन पे, बैच नंबर 786। जी हम बात कर रहे हैं अशोक जी की, जिनके साथ में अगर आप देखेंगे तो डिग्रियों का अंबार लगा हुआ है। न जाने कितनी डिग्रियां इन्होंने हासिल की है, डिग्रियों का रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड भी अपने आप में ऐसा है कि करीब 25 से ज़्यादा डिग्रियां इन्होंने हासिल कर ली है। और इन 25 डिग्रियों को हासिल करने के बाद इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अशोक जी हमारे साथ में लूणी के इस रेलवे स्टेशन पर है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका एक कैबिन है। इस कैबिन के ऊपर ये लूणी का रसगुल्ला, जो कि लूणी का रसगुल्ला देश और विदेश सभी जगह फेमस है, ये लूणी में रसगुल्ला बेचते हैं। और लूणी पे रसगुल्ला बेचते बेचते ही इन्होंने पढ़ाई कर पूरी पढ़ाई की है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 25 डिग्रियाँ इन्होंने हासिल की है। 25 डिग्रियाँ हासिल करने के बाद में आज वो 26वीं डिग्री का एग्ज़ाम देकर आए हैं। हम अशोक जी से जानना चाहेंगे, लेकिन वो अभी लोगों को अटेंड करने में मशगूल हैं। देख सकते हैं आपके पीछे ट्रेन आई है, और ट्रेन के साथ में ही उनका धंधा चल पड़ा है, एक करके, दो करके, तीन करके, सभी लोग आकर यहाँ से रसगुल्ले ले रहे हैं। फिलहाल ट्रेन रवाना हो चुकी है, और हम अशोक जी की डिग्रियों की तरफ एक नज़र डालने के लिए कहेंगे कैमरामैन को कि आप मेरे साथ में ये जो बायोडाटा देख सकते हैं, इसमें किस तरह की डिग्री से इनको नवाजा गया है, एक एक करके देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, कम से कम 25 डिग्रियां अब तक इन्होंने हासिल कर ली है। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपने अब तक जो डिग्रियाँ ली हैं, क्या उद्देश्य मन में था और क्या आपने सोचा? ऐसा है, मुझे पढ़ाई का जुनून था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा इंसान बनूं। एक गांव से, जो जहां पर लाइट पानी भी नहीं था, उस समय से मैंने यहां पढ़ाई शुरू की है। और उसके बाद में मेरा एम यही रहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं, चाहे उम्र कितनी हो जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और जहां भी इस क्षेत्र में मेरा नाम आता है उसे मैं दर्ज कराने के प्रयत्नरत रहूँगा। अभी मेरा लिम्का बुक में नाम आ चुका है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है, गिनीज के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और आगे से आगे पढ़ता रहूँगा जब तक आंखें और हाथ पैर बिल्कुल सही है, चलने में स्वस्थ हूँ। जब तक मेरा उद्देश्य यही है कि जब तक मैं पढ़ाई करता रहूँगा। आज तक मैंने 25 डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है, जिसमें बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, डीसीएलएल, डीटीएलपी व अन्य डिप्लोमाज किया है। एमए किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस में, एमए मैंने पब्लिक एड में किया है, एमए मैंने हिस्ट्री में किया है, एमए सोशलॉजी में किया है। इस तरह से 5 सब्जेक्ट में मैंने एमए किया है, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा किया है। बीजेएमसी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म का डिप्लोमा किया मैंने, सोशल प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान में डिप्लोमा किया है मैंने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है मैंने, पीजीडीओएस में मैंने डिप्लोमा किया है, और इस तरह से अभी डीएनएस का मैंने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया है, और आगे डीवाईएस डिप्लोमा इन योगा साइंस का परीक्षा देने की तैयारी कर रहा हूँ। गले में देख रहे हैं कि एक गोल्ड मेडल भी आपने टांग रखा है। किसी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। शायद इन सब डिग्रियों के बाद तो इंसान नौकरी की तरफ भागता है, क्योंकि आज की तारीख में नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की जाती है, जबकि आपने तो इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल कर ली है। उसके बाद आपका क्या लक्ष्य है, और आपने अभी लास्ट एग्ज़ाम कब दिया? मैंने लास्ट अभी 24 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुए मेरे डीएनएस के, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी साइंस का, और मेरी 63 एज है अभी, और 25 डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है, 26वीं का एग्ज़ाम दिया है, 27 के लिए वापस तैयारी कर रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए, और उद्देश्य यही है कि आगे से आगे मैं पढ़ता रहूँ। आप युवाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में एक चीज़ कही थी कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बाद में चाहे वो पकौड़े ही बेच करके कुछ करें, तो इस पर विपक्ष ने बहुत सारा बवाल मचाया था। तो क्या लगता है आपको कि कोई भी काम छोटा या बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपने तो इतनी डिग्रियां करी है, उसके बाद भी आज आप लूणी के स्टेशन पर रसगुल्ले बेच रहे हैं? मेरा जो कार्य है वो बिल्कुल छोटा है। रेलवे प्लेटफार्म पर एक ट्रॉली चलाना बहुत छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, वो भी मैं काम कर रहा हूँ। और जो मोदी जी ने संदेश दिया है उसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपनी आयु के अनुसार कार्य शुरू करना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार में और सदस्यों को आगे से आगे शिक्षा देवे, संपन्न होने से परिवार के कार्य सब आराम से निकल सके,
इस तरह से हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो छोटे से छोटे व्यापार करके भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। ये थे बैच नंबर 786 लूणी स्टेशन से। अब आप कभी अगर लूणी स्टेशन पे आए तो इनके वाइंडर कॉर्ड जो 786 है इससे लूणी का रसगुल्ला लेना ना भूलिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति अनपढ़ नहीं है या कम बेरोजगार नहीं है या मतलब कम पढ़ा लिखा होने के वजह से यहाँ पे रसगुल्ले नहीं बेच रहा है। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि आज आपने देखा कि हमने इनसे बात की है, कितने पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्या लगता है कि आपकी जितनी उम्र होगी उतने तो इन्होंने डिग्रियाँ ले ली। प्रेरणा किस स्रोत है सर ये हमारे लिए आजकल इसमें हम अपने सामने देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए है कि बहुत हमारे लिए इसमें रोल मॉडल हो सकते हैं, जैसे कि आज ही इनके पास इतनी सारी डिग्री होकर भी ये इसमें किसी की भी इसमें काम को इसमें छोटा नहीं समझ रहे, तो हमारे लिए भी ये अगर अपने जीवन में अगर मान लो किसी भी स्टेज पर अगर इसमें कोई भी काम आए तो हमें उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ तक आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी इनसे प्रेरणा लेंगे और आगे इनसे कुछ सीखेंगे। पढ़ाई कहाँ पे कहाँ तक कर रहे हैं आप और क्या पढ़ेगा? मैं NTPC की तैयारी कर रही हूँ। कितनी उम्र माने माँ? मेरी उम्र 20 ईयर। यानी तो आपकी उम्र से भी कम से कम 5 साल ज़्यादा डिग्री है इन्होंने हासिल। हाँ सर। देखा आपने किस तरीके से युवा भी इनको देख के प्रेरित हैं और युवा भी इनको देख करके अपना साहस बढ़ा रहे हैं कि हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। लूणी रेलवे स्टेशन से नवीन दत्त।